हाय गाइस, माय यूट्यूब चैनल मुकेश चौहान दिल से आपका स्वागत करता है। आपको कर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। और कैसे हो आप सब? ठीक हो? आज हमारे घर में बनने जा रहा है तिल गुड़ के लड्डू, तो मैं आपको दिखाता हूँ तिल लड्डू का, तिल और गुड़ लड्डू के बनाने का व्यंजन बन रहा है आज हमारे घर में। आगे मैं ब्लॉग में दिखाता हूँ, थोड़ा वेट करिए आप, थोड़ी देर में मिलता हूँ फिर। बाय। राम राम जी। जैसे कि आज बहुत खुश है हम, और इस खुशी की जानकारी आपको क्यों मिल रही है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, क्योंकि हमारा सुबह कल सुबह मकर संक्रांति है, आज हमारे घर में हो रही है। मेरी खुशी वाली चीज, मेरी फेवरेट चीज बन रही है, जो कि तिल के लड्डू। तो जैसे कि गाइस, मेरे आज बन रहे हैं तिल के लड्डू। कल है मकर संक्रांति, कल आपको हम मिलेंगे तिल के लड्डू बनाते हुए। बनाने को तो फिलहाल अब भी बना रहे हैं हम लोग, देख रहे होगे तैयारी चल रही है नीचे सब बैठे। जिस चीज से बन रही है उसको हम बताएंगे आपको। लड्डू बना रहे हैं गाइस, तिल के लड्डू। और ऊपर देखिए, हमने सब पतंग ला के रखी है आपके सामने, ये एक नहीं है, देखिए बहुत सारी पतंग है, तो देख रहे होगे। और यहाँ भी रखी हुई है कलम, बहुत देखिए यहाँ भी रखी हुई है कल। हम छत से पतंग उड़ाएंगे, आपको दिखाएंगे, और ये उड़ाएंगे। अभी हम लोग पतंग उड़ा के आए हैं, अभी हमारा मंदिर अभी लपेट रहे हैं। हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। मांझा देखिए, मांझा उन्होंने गुटाड़ा कर दिया है, तो मांझा लपेट रहे हैं। अब तैयारी हो रही है यहाँ पे गुड़ की, गुड़ ये बनाएंगी और ये बनेंगे, ये बनेंगे, ये बनेंगे। मैं इसे खाऊंगा। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये तिल और गुड़, तिल क्या है, गुड़, गुड़ का पाक बन चुका है गाइस। क्या किया इसमें, इतना पतला हो गया? पानी डाला, पानी डाल कर पतला कर दिया इसको। देखिए ये बन रहा है, ये लोग बना रहे हैं। मुझे तो पता नहीं कैसा बनता है, लेकिन बन रहा है, ये लोग ने पतला किया है। और जब तक इसमें वो नहीं आएगा ना, ऐसा बारीक बारीक तार, जब तक निकालने का नहीं इसको। देख 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 देख, ये कर रही है पागल जैसे हल्के। इनका हाथ जल चुका है, जबरदस्ती उंगली डालने की कोशिश कर रहे हैं, इनका दिमाग नहीं है। तो ठीक है, थोड़ी देर में मिलता हूँ जब ये लोग का पाक बन जाएगा। और यहाँ तैयारी करके रखी हुई है, ये सिंगदाने कूट लिए लोगों ने, यहाँ तिल है। मैं तो आता नहीं बनाना, बस खाना आता है भाई। कैसे बनते हैं जब आगे प्रोग्रेस करेंगे, लड्डू बनाने की तैयारी करेंगे, फिर मैं थोड़ी देर में आपको मिलता हूँ, दिखाता हूँ कि तिल और लड्डू कैसे बनते हैं। आपको खाकर दिखाऊंगा मैं कैसा बना, टेस्ट कैसा बना इसका। तो ठीक है, थोड़ी देर में मिलता हूँ भाई। तो जैसे कि मैंने बोला था, अब ये अपनी मटेरियल को लेके जा रहे हैं, उसमें मिलाने के लिए शायद दिखा रहा हूँ आपको। अभी ये लोगों ने इसके अंदर शायद मिलाएंगे ये लोग। देखिए, इसमें पहले जा रहा है सिंगदाने, सिंगदाने मिक्स करे जा रहे हैं इसमें। थोड़ा ऐसे हो जाओ, अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा, हमारे घर का लाइट नहीं है, तो डिम पावर पे चल रहा है। इन्होंने सिंगदाने मिक्स कर दिए, सिंगदाने को चलाया जा रहा है। इसके बाद अभी ये तिल बनाया, तिल डाल दिया जा रहा है इसके अंदर, तिल डालकर मिक्स कराया जा रहा है। और ये हमारा छोटा चेतन बैठ के देखिए क्या कर रहा है, पता नहीं, मोबाइल देखने में लग रहा है, मोबाइल देख रहा है। और ये यहाँ पे छोटा चेतन बैठा है। तो जैसे गाइस, मैं आज अपने ब्लॉग के लिए लेके आया था स्टैंड, मोबाइल स्टैंड, देखिए कैसा है ये। ये मैंने ख़रीदा है 550 में आया है गाइस। इसको सब जगह से कर सकते हैं, जैसे एडजस्ट करना है कर सकते हैं इसको। 550 में मैंने इसको मंगाया है, देखिए कहीं भी इसको, कहीं भी रख सकते हैं इसको। जैसे कि मैंने यहाँ रख दिया इसको, देखिए इसको रख के ऐसा करा जाता है, छोटा बड़ा भी हो जाता है, ये स्टिक लंबी हो जाती है, इसे घुमाएंगे यहाँ से ये खिंच जाएगा। तो इसमें अगले बार से मैं इसमें रख कर ब्लॉग बनाऊंगा, मुझे बहुत पसंद आया ये। लेकिन इसको हम कहीं लेके नहीं जा सकते बाहर, उसे घर में ही बना सकते हैं इसके अंदर ब्लॉग। तो ठीक है, अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ आपको। देखिए सामने से मटेरियल आ रहा है, कढ़ाई में शायद हो चुका है ये देखिए, यहाँ पर पाक बन गया है तिल गुड़ का। तो मैं आपको यहाँ से बैठे बैठे ही सब दिखाऊंगा गाइस, ये लोग क्या करने वाले हैं, अभी गरम गरम लोग करने वाले हैं। थालियों में क्या लगा रहे, तेल, तेल मल रहे हैं, तेल, तेल से क्या होएगा, इधर देख के बोलो, इधर देख के,
क्या आएगा? अच्छा, इसका बोलना मतलब, इनका बोलने का मतलब है कि तेल लगाने से ये लड्डू बनाएंगे तो इस पर चिपकेगा नहीं, ठीक है? क्या हो गया? तो ये लोग ने लूज किया है कि हाँ फैन लगाओ, कूलर को कूलर चालू करो। जैसे अभी कूलर चालू किया है तो अगर थोड़ी मिस्टेक में थोड़ी आवाज़ आएगी कूलर की, हमारे कूलर में आवाज़ बहुत है, बहुत स्पीड चलता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये लोग अभी इसको मिक्स कर रहे हैं, थोड़ा इसको ऐसे घूम के बैठो ना, आवाज़ आएगी उसमें। तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से, अब इसको थोड़ा इस मटेरियल को थोड़ा गाढ़ा करना होगा बोल रहे हैं। चम्मच इधर रखी होगी ना ऊपर लादी पे, तो अभी इसको हवा लगा कर थोड़ा इसको सुखा रहे हैं कि जो कि मटेरियल घट हो जाए थोड़ा। इससे क्या होगा कि फटाफट लड्डू बनेगा। अभी ये थोड़ा पतला है इस कारण से ये वो नहीं कर पा रहे इसको। ये आके बैठ गए हैं अभी यहाँ पर, ये सोच रहे हैं सर कब बने और मैं खाऊं। मतलब हमारे घर में कुछ बन जाएगा तो पहले खाने की तैयारी हो जाती है लोग। तो ये लोग ने जैसे कि ये लोग ने माल जो मटेरियल बनाया है लोग ने ज़रा थोड़ा पतला कर दिया है, इस कारण से ये बैठ नहीं रहा। लड्डू कम चिक्की ज़्यादा बन रही है। लड्डू तो नहीं बन रहे। हाँ, चल गया मेरा। अलग ही बन रही है ये, अपने की ये पतला हो गया। इसको ना थोड़ा हवा लगा, घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो। मैं नहीं हाथ लगाऊंगा, मैं ही घुमाऊंगा। देखो जैसे भाग गए डर के मारे वो लड़की, उसको हाथ जल जाएगा इसके। पानी ले थोड़ा। जैसे कि ये इतना गर्म है ना गाइस कि इनको उठाने को भी भारी पड़ रहा है, हाथ जल रहा है इनके। मुझे पता है मैं पहले बनाता था बहुत गर्म गर्म पानी। एक कटोरी में पानी लो, उसमें पानी में हाथ डाल, वापस गर्म करना पड़ेगा जल्दी। एक कटोरी में पानी ने मंगाया। देखो जैसे मम्मी तुम्हारी बना रही है ना ऐसे बनाओ। देखो और एक साइड में डालते जाओ। हाँ ये पानी रखो उसमें, पानी में हाथ डुबाने का। पानी रखो उधर। मैं जैसे सुनते नहीं ना मेरी बात को, इसके लिए मुझे पानी में हाथ डालो ऐसे और उसको कढ़ाई को चलाते रहे। अरे ठंडा तो होते ठंडा होने नहीं दे रही है। ठंडा होएगा तो बनेगा नहीं वो पावर। अरे यहाँ ठंडा होने दे, बनता है वो ठंडा होने बनता, ठंडा होने पे अभी नहीं बनेगा। नरम नरम थोड़ा सूखने दो वो मटेरियल को, थोड़ा थोड़ी देर रहने दो उसको, तो वो घट हो जाएगा थोड़ा सूख के। ये मतलब नहीं ऐसा करके कुछ, उसको चलाते रहो बस, उसका गैस गर्मास निकालो, गर्मास निकालो उसका गर्मास। जैसे यहाँ पे तीन लड्डू चार लड्डू बन चुके हैं, चार लड्डू बना दिए गए यहाँ पे हमारे कारीगरों ने। ये हमारे कारीगर चार लड्डू बना चुके हैं। हाँ तुमने बनाया है, चार लड्डू तैयार हो चुके हैं गाइस। देखिए इनके हाथ कितना फास्ट फास्ट चल रहे हैं, बहुत स्पीड से बनाया जाता है ये। जल्दी जल्दी जितना बनाएंगे इनके हाथ की स्पीड देखिए, इनके हाथ की स्पीड देखिए। मुझे ही उतरना पड़ेगा लगता है, जूता मत कर भगवान को चढ़ाने का हो। देखिए अभी पांच लड्डू बन चुके हैं। अरे मत कर, बोल रहा हूँ तो तू करके मेरे नाम के। हाँ मेरे नाम के पांच। इसको बोलते कड़क लड्डू, वो पिघले गए थे। क्या काम है इनके हाथों में, बहुत ही चटका लग रहा है गर्म। झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू। ये कढ़ाई को ना पानी के नीचे रखो, पानी रखो इसे प्लेट के अंदर, एक प्लेट में पानी रख, नीचे से ठंडा होएगा वो। ये हमारी बात ही नहीं सुन रहे, अब इसके आगे मैं क्या बोलूँ। लापरवाही का नतीजा ये, देखा तुम्हारी लापरवाही का नतीजा। तो इनके हाथों की स्पीड देखिए, जैसे कि इन्हें कहीं जाना है, इनके हाथों की स्पीड देखिए, फटाफट लड्डू बन रहे हैं। देखिए
ये लड्डू बन रहे हैं। टाइट होएगा तो हाँ हो रहा है। तो जैसे कि भाइयों मैंने अभी इनको अच्छे से मेल्ट करके दे दिया है, तो अभी इनको कितना आसान होगा देखिए। ये लड्डू बहुत नरम है, मैं अभी नहीं खाऊंगा, फिलहाल बाद में खाऊंगा, मैं ऊँचा झूठा नहीं करना चाह रहा। तो अभी ये लोग को आसान हो चुका है बनाने के लिए, इनके हाथ देख रहे होगे आप कितने फास्ट फास्ट चल रहे। बना नहीं, खाना पहले चालू हो गया है, सबका मुंह देख के कैसे चल रहा है, बाद में कोई नहीं खाएगा। क्या क्या बात कर रहे हैं? तो ठीक है, अभी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। इसके बाद ब्लॉग बड़ा हो जाएगा गाइस, इसके वजह से मैं ब्लॉग को थोड़ा देर रोकता हूँ, फिर दिखाऊंगा अगले आगे प्रोग्रेस में। तो जैसे कि फाइनली हमारा देखिए तिल के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, हमारे इन बच्चों ने सब लड्डू बनाकर तैयार किए हैं गाइस। देखिए इनके हाथ देखिए कैसे लाल हो चुके हैं। अपना अपना हाथ दिखाओ, अपना अपना हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, अपना अपना हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ जी, हाथ दिखाओ, इनके हाथ देखिए, हाथ दिखाओ अपना। ये देखिए खाने के लगी पड़ी है इनके हाथ, मैं चम्मच में खाई नहीं। देखिए खाने में टूट पड़े हैं, इसको अभी वहाँ रख दो, थोड़ा हवा लगने तो सूखेंगे, सूखेंगे तो फिर इसके बाद खाएंगे, आपको दिखाएंगे। अभी पूरा प्रोग्रेस हो चुका है, यहाँ पे गंदा कर दिया घर में पूरा, कढ़ाई से देखिए निकल नहीं रहा था, हमने पानी डाल दिया उसमें। और ये देखिए इनको देखिए खाने में लगी पानी, देखिए जैसे कभी जिंदगी में कभी खाया ही नहीं है। फाइनली गाइस ब्लॉग का एंडिंग करने का टाइम आ चुका है, अभी मैं ब्लॉग को यही एंड करता हूँ, फिर मैं आपको मकर संक्रांति के सुबह का मैं दिखाता हूँ आपको, जो भी पतंगे उतंगे उड़ेंगे तो मैं आपको सुबह दिखाऊंगा। अभी ब्लॉग यही एंड करता हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो पब्लिक वीडियो देखने को पसंद नहीं करती। तो ठीक है, और जैसे भी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आपको मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। देखिए बोलो बाय, मकर संक्रांति की सबको हार्दिक